हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। तो आज मैं बेसिकली आपको एक छोटा सा अलर्ट देने आया हूँ डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग जो जोसा में आपको ज़रूरत है, क्योंकि 25th के बाद आपको ज़रूरत हो जाएगी सारे डॉक्यूमेंट्स की। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, आप ना एक बार इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मिला करके देख लो। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आपके पास नहीं है जोसा के अकॉर्डिंग ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो प्लीज़ एक बार जा कर के आप बनवा लो कहीं से, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता लेता हूँ। बच्चे मेरे को पूछ रहे थे कि सर मेरा 12th का डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, क्या डिजी लॉकर वाला चल जाएगा? तो जी हाँ, डिजी लॉकर वाला चल जाएगा आपका। कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भैया हमें सेंट्रल EWS बनाना पड़ेगा। जी हाँ, सेंट्रल EWS बनवाना पड़ेगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स ये आ रहे थे कि भैया मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवा। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपके घर के अगल बगल, वहाँ जा कर के आप अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट। प्राइवेट डॉक्टर्स भी आपके मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो प्राइवेट डॉक्टर आपसे पैसे लेंगे और गवर्नमेंट वहाँ पे 10-20 रुपए में आपका गवर्नमेंट में बन जाएगा वो सारा, ठीक है। फॉर्मेट आपको लेके जाना है, वो सारी चीज़ें करके आपको दे देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही बेस्ट है। अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो फिर आपको बहुत पैसे लग जाएंगे, 700-800 रुपये लगते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के, ठीक है। तो ये हो गया, ये 3-4 कमेंट्स मेरे को डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग दिख रहे थे तो उस पर मैंने वीडियो ही बना दी। और एक बार ना आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लो ध्यान से, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ बनवा लो, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है।